अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। ठीक है जी, चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ चिकन 1 kg, प्याज इनको बारीक बारीक काट लिया मैंने, और प्याज तकरीबन 4 बड़े प्याज हैं। ठीक है, एक प्याली दही, 4 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, सब्ज़ मिर्ची हैं इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ठीक है जी, चिकन कढ़ाई मसाला है 2 टेबल स्पून, यहाँ लेमन जूस ले रही हूँ मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, सुरख मिर्च हसब ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है, नमक ये भी हसब ज़रूरत, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ दही ले रही हूँ टमाटरों की जगह। ठीक है जी, आपने टमाटर ज़रूर ऐड करने हैं इसमें, कम से कम 3 से 4 टमाटर आपने ज़रूर ऐड करने हैं। मैं टमाटर अवॉइड करती हूँ, ये मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे घर में यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, जिसकी वजह से टमाटर हम अवॉइड करते हैं, तो आपने टमाटर ज़रूर डालने हैं। मैं यहाँ टमाटर की जगह दही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आपने 3 से 4 टमाटर ज़रूर ऐड करने हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल कढ़ाई में डाला है, ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याजों को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज को हमने तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर देंगे। अब हम चिकन और प्याज दोनों को फ्राई करेंगे, तब तक जब तक हमारा चिकन और प्याज ब्राउन ना हो जाए। ठीक है जी, इस तरह हमारा चिकन अच्छी तरह गल भी जाएगा। प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। को मज़ीद हमने ब्राउन करना है। प्याज और चिकन हमारा ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको कम से कम 20 मिनट के लिए फ्राई किया है, फिर ये ब्राउन हुआ। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, ताकि ये नीचे ना लगे। इसमें मैं शामिल करूंगी अदरक, अदरक पेस्ट 2 टेबल स्पून, लहसुन पेस्ट, फोर टेबल स्पून। ठीक है जी, सब्ज़ मिर्च, इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। इसमें हम शामिल करेंगे अब नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। चिकन कढ़ाई मसाला भी शामिल कर देंगे हम इसमें।
इसमें दही डालूंगी मैं और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हम लेमन जूस भी शामिल कर देंगे, ठीक है जी। 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन आधा कप पानी, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम, ठीक है जी। इसको मैं अब 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी जी। 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, आप देख सकते हैं ऑयल अपना इसने सारा छोड़ दिया है। ये बिल्कुल रेडी है, अब हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे और एक बर्तन में इसको हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर अब हम गार्निशिंग कर लेंगे सब्ज मिर्च के साथ, बारीक कटी सब्ज मिर्च चाहिए और बारीक कटी अदरक के साथ, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको गार्निशिंग करना चाहो, जिस तरह मर्ज़ी आप डेकोरेट करके आप सर्व करना चाहो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार है, आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देसी पकवान विद ज़रीश, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो और लेके आ सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।